अरविंद केजरीवाल जी के दो मेंटर्स हैं, एक है भ्रष्टाचार में लालू प्रसाद यादव और एक है डमी प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली सोनिया गांधी। तो अरविंद केजरीवाल जी आज ये समझ चुके हैं कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक भ्रष्टाचारी की है, ना कि ईमानदार व्यक्ति की है। जब वो 170 दिन जेल में रहे, वो कहते थे कि उनको पार्टी वाले मिलने आते थे तो उनको फीडबैक यही दिया जाता था कि अरविंद जी आज दिल्ली में आपके नाम पे वोट नहीं मिल रहा है, आज आम आदमी पार्टी को लोग भ्रष्टाचारी समझ रहे हैं। उन्होंने इस फीडबैक के बाद में माना कि आज उनको अपनी ईमानदारी प्रूव करने की जरूरत है। इन सबसे यही स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल खुद मानते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, तभी वो रिजाइन कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए है। और इसके साथ में ये भी स्थापित हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी पे कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अगर उनको आम आदमी पार्टी पे कोई ट्रस्ट होता तो वो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करते, वो कहते कि भाई मैं सत्ता छोड़ रहा हूं, कोई और जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी दिल्ली की लड़ाई नहीं रही, आज दिल्ली की लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम दिल्ली की जनता हो चुकी है। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि उनकी जो रैली पार्टी है इंडिया अलायंस, उनका अलग अलग लीडर्स का उस पर क्रिटिसाइज, इवन कांग्रेस खुद कह रही है इस पर सवाल उठा रही है, लेकिन एनसी के फारूक अब्दुल्ला साहब उनका साफ तौर पर कहना, उन्होंने सब वो सपोर्ट में आया, उन्होंने कहा कि वो पावर के भूखे नहीं है, तो उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया है तो इसमें क्या बुरा है, क्या लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं? देखिए, इंडी अलायंस एक काल्पनिक अलायंस है, वही राहुल गांधी जिन्हें अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो ट्वीट किया था, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने एक ट्वीट नहीं किया जब अरविंद केजरीवाल वापस आए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि हमको 5 सीट दे दो, 6 सीट दे दो, और कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मैसिव लड़ाई है इंटरनली, तो ये इंडिया अलायंस तो है नहीं। बात रही फारूक साहब की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समय था जब लालू प्रसाद यादव पे भी जब आरोप हुए थे जेल जाने के पहले, उन्होंने भी रिजाइन किया था। एक समय था जब ओम प्रकाश चौटाला जो थे उन्होंने भी रिजाइन किया था, और ये दोनों पे करप्शन के आरोप प्रूव हो चुके हैं। तो आज ये स्थापित हो चुका है कि हम कहते थे कि करप्शन की क्लास का प्रिंसिपल लालू प्रसाद यादव होंगे, परंतु आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि करप्शन के स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिससे लालू प्रसाद यादव को सीखना चाहिए, ओम प्रकाश चौटाला को सीखना चाहिए।